आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र के बुढ़िया गांव में स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक के अनियंत्रित होकर घर में घुस जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में महिला सहित 2 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि स्टेट हाईवे किनारे घर के अंदर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी, तभी तेज गति से आ रही हाईवा ट्रक घर को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। तीनों को जगने का मौका भी नहीं मिला और ट्रक ने कुचल डाला। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय हसीना खातून, 14 वर्षीय अनीसा खातून और 12 वर्षीय मोहम्मद साजिद के रूप में हुई है। महिला का पति बाहर कमाने गया हुआ था। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया, लोगों को उचित मुआवजा का आश्वासन भी दिया। घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार है। गुस्साई भीड़ ने ट्रक को बुरी तरह चूर कर दिया है। घर में सब सोया हुआ था, उधर से आया गाड़ी पिकअप में था, 120 की रफ्तार में घर में घुसा दिया। कौन सा गाड़ी था? 10 चक्का था। कितने बजे रात की घटना है? ये हुआ 10:15 बजे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गाड़ी चढ़ने का बाद तो घर वर तो गिर गया, 3 आदमी स्पॉट में रह गया। स्पॉट डेट कर गया 3 लोग। क्या उसमें 2 बच्चा है? क्या 2 एक धुरवा है, एक बच्चा है, एक बुढ़ी है। उसके बाद क्या गाड़ी पकड़ाया? क्या गाड़ी पकड़ा गया? कौन सा थाना में का घटना है? सरसी थाना। कहाँ पे है सरसी थाना के पास हुआ है घटना? ये सरसी थाना से मदरसा जंप पड़ता है 4 किलोमीटर उत्तर रोड साइड। क्या नाम है मृतक सबका? एक का नाम मसीना खातून, एक का अनेसा खातून, एक का मोहम्मद साजिद। क्या एज होगा सब तीनों का? एक का 40 साल, एक का 14, एक का 12 साल। आप कौन है परिजन? इसका मतलब मेरा सासू जी है, जो मेरा साली था, एक बेटा मेरा था, सर बेटा। हाँ है आप लोग बुढ़ी को लेकर? कहाँ पे घटना हुई? मदरसा में। क्या घटना हुई है? स्पोर्ट पे। तो कौन सा थाना थे आप? सरसी थाना।